सो पाकिस्तान के सुपरस्टार और जनाब इमरान अब्बास साहब इस्लामाबाद से आए हुए थे, वो आज यहाँ जीडीसी ओल्ड एज होम आए हैं, बुजुर्गों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तमाम बुजुर्ग बहुत खुश हैं। मैं अभी आपसे बात भी करा पाऊँ बुजुर्गों की। जीडीसी ओल्ड एज होम पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन ओल्ड एज होम है। चीजें जो है ना, हम दुआ करते हैं कि ये आगे बढ़े, लीडरशिप में ये आगे बढ़े, मेरी ये नहीं नहीं व्यवस्था। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। इमरान भाई, इस वक्त आप मौजूद हैं जीडीसी के इस होम में, और कैसा लग रहा है आपको? ये बुजुर्ग आपको पहचानते हैं, सब जानते हैं? मैं सरप्राइज रह गया उस बात को देख के, ना सिर्फ बुजुर्ग मुझे पहचानते हैं बल्कि उन्होंने मेरे सारे शोज देखे हैं, और मुझे भी पता चला कि इनके पास इंटरनेट फैसिलिटी भी है, तो ये यूट्यूब पे भी, यहाँ आप लोगों ने इनको प्रोवाइड किया इंटरनेट, कि वो मेरे यूट्यूब के ऊपर भी सारे शोज उन्होंने देखे हैं। आई एम सरप्राइज, सच अ हेल्दी एंड पॉजिटिव एनवायरमेंट है, और मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं इसी ओल्ड होम में आया हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं एक घर आया हूँ जहाँ बहुत सारे दोस्त बैठे हैं, और सबके चेहरों पर जो खुशी है वो बहुत बहुत सारे ओल्ड एज होम में जा चुका हूँ। वहाँ लोग बिल्कुल सच्चे जज्बे के साथ ये काम कर रहे होते हैं, लेकिन चेहरों पे उदासी जो है ना वो मैंने देखी है लोगों के, लेकिन आप सबके चेहरे पे खुशाशत है माशाल्लाह, वो खुशी जो है। हमने इमरान ने कोशिश की यहाँ किसी किस्म का कोई जालिम एडमिनिस्ट्रेटर, कोई बदतमीज आदमी नहीं हो, इन लोगों को घर जैसा माहौल मिले। नहीं, घर जैसा तो माहौल नहीं मिले तो अच्छा है, अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गए। अच्छा, घर जैसा माहौल नहीं, आप किस लिए कह रहे हैं? ये आप किस लिए कह रहे हैं ये मैं सुनना चाहता हूँ आपसे। ये जो कमेंट्स आप दे रहे हैं, क्या जो बुजुर्गों का एहतराम न कर सके, बुजुर्गों का एहतराम न कर सके, वो घर घर नहीं है। उनको भी आना है, ये तो एक ऐसा है, अमल है, साइकिल है, और उससे ज्यादा बदतर प्रोसेस है। उनको कौन संभाले? नहीं नहीं, अल्लाह करे उनको अकल आ जाए और आप लोगों को यहाँ से लेकर जाए, अपने आपके जितने बच्चे हैं। मैमूरी साहब कौन है? इमरान अब्बास नकवी इज वेरी फेमस पर्सन। देखें इनका इंटरव्यू वगैरह टॉक शोज में देखा है, वो समीना पीरजादा के साथ जो था। शहजाद साहब कौन साहब? मिश्रा साहब ये जद्दा भी देखा था पहले आपका। सर कौन नहीं जानता इनको? सही बात, मैं सायरा बानो का जुमला याद आ रहा है कि कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता है। अमित कुमार साहब ने फोन करके मेरी वालदा को कहा कि आपने इस बच्चे को क्या खा के पैदा किया। देखिए माशाल्लाह सारे बुजुर्ग बहुत खुश हैं, और इस तरह के अदाकार पाकिस्तान के फसल होते हैं, बुजुर्गों के पास आके बैठते हैं, इनकी जिंदगी में कितने रंग आ जाते हैं। सारे बुजुर्ग बहुत खुश हैं, ऊपर वाले फ्लोर पर भी लेके जाएंगे, वहाँ के सारे बुजुर्गों से मिलवाएंगे। उसके सामने जब ये गए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें, और जी डी सी में एक और ओल्ड एज होम बनने जा रहा है, ये फुल हो चुका है, उसके लिए हमें ज़रूरत है। आप हमें ज़मीन दे सकते हैं, आप हमें कंस्ट्रक्शन की मदद कर सकते हैं, और जी डी सी यतीम खाने में भी आप हमें सपोर्ट कीजिए, चाहे वो टीवी की इंडस्ट्री हो या फिल्म इंडस्ट्री। इमरान भाई कोई फाइनल मैसेज देंगे? मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगा जी कि अपने बुजुर्गों का एहतराम करें, इसलिए कि जिसने अपने बुजुर्गों की दुआएं नहीं ली उसने ज़िंदगी में समझ लिया कुछ नहीं कमाया, और एक ऐसा अमल है मकाफात अमल का कि जिसके लिए आपको आखिरत का इंतजार नहीं करना पड़ता, आपकी अपनी औलादें भी हैं। आप उस वक्त से डरें जब आपके औलाद आपके साथ, ये सिलसिला बस, और ये ऐसे बुजुर्ग हैं जो कभी अपने ये दुआ नहीं करेंगे कि उनकी औलाद उनके साथ ऐसा करे, क्योंकि माँ बाप का दिल बहुत बड़ा होता है। लेकिन आपको अल्लाह हिदायत दे और आपने बुजुर्गों का एहतराम करें, और मैं ज़फ़र अब्बास साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस मौके पर यकीनन, क्योंकि ये जो एक पॉजिटिविटी का अमल है, और ये जो एक माशरे में एक मस्बत अमल करने का अमल है, ये एहसान होता है, ये एक ऐसा एहसान है जो आप हर किसी पे कर रहे हैं, ये आप पॉजिटिविटी जो स्प्रेड कर रहे हैं,
بغیر کسی پرسنل موٹیو کے اور کسی غرض کے یہ اتنا بڑا احسان ہے اس معاشرے کے اوپر جہاں آپ نے اتنا خوبصورت ماحول دیا ہوا ہے بزرگوں کو, جہاں کے میں دیکھ رہا ہوں کہ چہروں پہ ان کی بشاشت ہے, اور کروں گا کیونکہ آئی فیلٹ سو ونڈرفل بینگ وتھ یو, اور ماشاء اللہ سارے اتنے ویل اسپوکن, اتنے پڑھے لکھے, اور اتنے مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی تو بیٹھک اتنی مزے کی ہوگی کہ آپ لوگ سر یہ یو کے سے کم ہے کوئی یہ تو جاتے رہتے ہیں رنبیر کپور کے ساتھ تو بہت تصویریں دیکھی سر آپ کسی کو تو چھوڑ دیں سب کی فلمیں دیکھیں گے آپ نے ان کی باتیں گفتگو بہت بہت شکریہ سر تھینک یو